नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि निकॉन DSLR में जो है आप एपरेचर प्रायोरिटी मोड पे फोटोग्राफ शूट कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें अच्छे फ़ोटो आप खींच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है निकॉन D5300 और इस निकॉन D5300 में बेसिक किट लेंस यूज़ करता हूँ, 18-55 mm लेंस, ये मेरा किट लेंस है। तो दोस्तों, कैमरा मैंने ऑन कर लिया है और इस समय आप देखेंगे मेरा कैमरा जो है ऑटो मोड पे सिलेक्टेड है। इसको यहाँ से, चलिए हम इसको रोटेट डायल को रोटेट करके ले चलते हैं ए पे। यहाँ पे दोस्तों मेरा कैमरा आ गया एपरेचर प्रायोरिटी मोड पे, ए मोड पे। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाऊँगा, तो आप देखेंगे कि जो है ये मेरा ए मोड पर आ गया है कैमरा। दोस्तों, ए मोड पर क्या होता है कि हमको जो है एपरेचर जो है कैमरा हमारे कंट्रोल में दे देता है। एपरेचर को हम लोग अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं, हमको कम एपरेचर चाहिए, ज़्यादा एपरेचर चाहिए, वो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शटर स्पीड को कैमरा जो है एपरेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद ही कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, एपरेचर की लिबर्टी हमारे हाथ में होती है, शटर स्पीड कैमरा खुद कंट्रोल करता है। ये एपरेचर प्रायोरिटी मोड की खासियत है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि एपरेचर प्रायोरिटी मोड का यूज़ क्या है। एपरेचर प्रायोरिटी मोड में दोस्तों हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर हमको फ़ोटो में डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हमको डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए तो उसको हम यूज़ कर सकते अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग अब ये सोच रहे होंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है। तो दोस्तों, डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो ले रहा हूँ, किसी चीज़ का फ़ोटो ले रहा हूँ, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें हम लोग उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर हमारा बैकग्राउंड ब्लर है पीछे का, तो वहाँ पे हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड क्लियर है तो हम लोग उसको वहाँ पे बोलते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड हमारा वहाँ पे ज़्यादा है। तो हम लोग को कितना डेप्थ ऑफ फील्ड क्लियर करना है वो हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कितना डेप्थ ऑफ फील्ड हमको ब्लर करना है वो हम इस मोड में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कोई लैंडस्केप में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको एक अच्छा फोटोग्राफी, शार्प और क्रिस्प फोटो अगर हमको चाहिए तो हम इस एपरेचर प्रायोरिटी मोड जो है उसके लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एपरेचर प्रायोरिटी मोड में जो है हम लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी जो भी करते हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिसका हम फ़ोटो ले रहे हैं वो हमारा स्टिल होना चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ हम एपरेचर प्रायोरिटी मोड पर नहीं ले सकते, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट स्टिल होना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एपरेचर प्रायोरिटी मोड पर अगर आप फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको जो है ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर, क्योंकि एपरेचर प्रायोरिटी मोड में हम लोग एपरेचर तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन शटर स्पीड जो है कैमरा खुद कंट्रोल करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका डेमो देखिए कि शटर स्पीड कैसे कंट्रोल होता है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा रोटेटिंग डायल है, मैं इस रोटेटिंग डायल को रोटेट करूँगा तो मेरा एपरेचर चेंज होगा, एपरेचर अपने आप देखिए ये एपरेचर मेरा चेंज हो रहा है और शटर स्पीड उसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। एपरेचर मेरा ये बीच में एफ नंबर जो है ये एपरेचर में चेंज कर रहा हूँ और इसके साथ ही साइड में जो शटर स्पीड है ये अपने आप चेंज होता जा रहा है। तो शटर स्पीड कैमरा अपने आप चेंज कर लेता है, एपरेचर हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए कि हमको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है इसमें फ़ोटोग्राफी शूट करते समय पे। दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे इसमें अपने कैमरे में 18-55 mm का बेसिक किट लेंस है। इसका मैक्सिमम एपरेचर जो है, अगर मैं 18 mm पे फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मेरा एपरेचर जो है मैक्सिमम एपरेचर जो ओपन रहेगा, एफ नंबर इसमें सबसे ज़्यादा कम रहेगा, वो मेरा 3.5 रहेगा 18 mm पे। लेकिन अगर इसी को मैं 55 mm पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने 55 mm पे कर दिया, तो मेरे को एफ़ नंबर मिलेगा मैक्सिमम 5.6। यहाँ पे मेरा ये मैक्सिमम एफ़ नंबर रहेगा। इसको मैं फिर से 18 mm पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मेरा एफ़ नंबर जो कम है 3.5, यहाँ पे मैक्सिमम एपरेचर है, ये मेरा मैक्सिमम एफ़ नंबर यहाँ पे आएगा एफ़ 22 मेरे को मैक्सिमम मिलेगा 18 mm पे। और अगर इसको मैं 55 mm पे कर देता हूँ तो यही मुझको यहाँ पे जो है F36 तक मिलेगा, ये मेरे को F36 तक इसका एफ़ नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे इस लेंस की खासियत है। और दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छे लेंस भी आते हैं जो कि इसमें 1.4 या 2.4 या 1.8 mm का भी एपरेचर रहता है।
तो वो लेंस जो है प्राइम लेंस बोलते हैं उनको, और वो लेंस हमारे जो है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बेसिक किट लेंस से भी अब बैकग्राउंड ब्लर होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने सारे फोटोग्राफ इसी लेंस से खींचे हुए हैं, जो कि मैं आगे आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने फोकल लेंथ, कितने अपर्चर पे कौन से फोटोग्राफ लिए हैं, उसमें कितना बैकग्राउंड ब्लर है, आप लोग खुद ही देख पाएंगे। आप लोगों को भी इसी बेसिक किट लेंस से आप अच्छा फोटोग्राफ ब्लर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ डेमो के तौर पे, आप देखिएगा। इस फोटो में आप देखेंगे सब्जेक्ट एकदम क्लियर है और इसका बैकग्राउंड एकदम ब्लर है। इसका मतलब है दोस्तों इस फोटो में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा कम है। ये डेप्थ ऑफ फील्ड कम करने के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर अपर्चर एफ नंबर को हमने मिनिमम कर दिया है, तो इससे अपर्चर हमारा खुल जाता है और बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। दूसरी इमेज आप देखेंगे दोस्तों, इसमें भी देखेंगे सब्जेक्ट क्लियर है, बैकग्राउंड ब्लर है, इसमें भी डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम है। तीसरी इमेज आप देखेंगे दोस्तों, इसमें बैकग्राउंड भी पूरा काफ़ी दूर तक क्लियर है, यहाँ पे हमारा एफ नंबर ज़्यादा है इसलिए डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है। एक इमेज दोस्तों आपको और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें भी आप देखेंगे बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर है, लैंडस्केप में फोटो लिया हुआ है ये। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों एफ नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपको अपने कैमरे में कुछ फ़ोटो दिखाऊँगा, जो कि आप समझा पाऊँगा मैं आपको कि फ़ोटो मैंने बेसिक किट लेंस से भी हम लोग कितने अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। आप देख रहे हैं कि इमेज मैंने खींचा हुआ है ये, यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट भी क्लियर है, इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी क्लियर है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके इस इमेज को दिखा रहा हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड इसका पूरा क्लियर है। आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जितना मैंने जूम किया है ये पूरा बैकग्राउंड क्लियर आ रहा है इसका यहाँ पर, और इसका सब्जेक्ट भी ये पूरा तरीके से क्लियर है। दोस्तों यहाँ पे आप एक इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेज जो है मैंने अपने बेसिक किट लेंस से ही खींची है, और इसको मैंने अपर्चर F22 रखा था और मिनिमम फोकल लेंथ मतलब 18 mm पे इसको खींचा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका इमेज जो है, इमेज भी क्लियर है, सब्जेक्ट भी क्लियर है, और उसमें बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक क्लियर है। इसके बाद दोस्तों दूसरा एक इमेज जो आप देख रहे हो अभी सामने जो आपके आया है, इसमें सब्जेक्ट और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये जो है मैंने F36 पे और इसका मैक्सिमम फोकल लेंथ 55 mm पे करके इस इमेज को कैप्चर किया, तो इसमें इमेज और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लियर आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप को इमेज दिखाई पड़ रही है, ये मैंने खींची है अपर्चर F8 पे और इसको खींचा है 52 mm फोकल लेंथ पे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सामने के पेड़ जो है कुछ ब्लर नज़र आ रहे हैं पौधे, और बस आपको क्लियर नज़र आ रही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको ब्लर नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको इस इमेज को जूम करके दिखाता हूँ, जो पहले के पेड़ आपको ब्लर नज़र आ रहे हैं वो उसका फोरग्राउंड है, और जो बस है वो सब्जेक्ट है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको ब्लर फिर से नज़र आ रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ब्लर हैं, सब्जेक्ट इसमें इमेज में क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये खींचा गया अपर्चर F5.6 पे, फोकल लेंथ है 55 mm। इसमें आप देख सकते हो कि इमेज सब्जेक्ट एकदम क्लियर और बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर है। दोस्तों ये जो अगला इमेज आप देख रहे हो, ये अपर्चर F8 पे लिया गया है, फोकल लेंथ 52 mm रखा गया है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट और कैमरे के बीच का डिफरेंस एकदम परफेक्ट रखा गया है, इसलिए इसका बैकग्राउंड भी एकदम क्लियर है और सब्जेक्ट भी एकदम क्लियर आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमेज जो देख रहे हैं, ये मेरी खुद की इमेज खींची है मैंने कैमरे से, और ये 5.6 अपर्चर पे है, 55 mm का फोकल लेंथ रखा हुआ है। इसके बाद का जो इमेज आप दोस्तों देखेंगे वो है 3.5 अपर्चर पे और 18 mm के फोकल लेंथ पे इमेज खींचा हुआ है। दोनों इमेज में थोड़ा डिफरेंस है बैकग्राउंड ब्लर का, क्योंकि वो क्लोजअप में हो रही है, थोड़ा दूर पे है। इसके अगला इमेज मैंने फुल लेंथ में खींचा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से डिफरेंट मेजरमेंट पे फोटो लेके आपको दिखाए हैं, बेसिक किट लेंस 18-55 mm से। इसमें किसी में आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा और किसी इमेज में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसमें दिखाया, अभी मैं आपको जो है एक्सपोजर आपको कैसे एडजस्ट करना है अपनी इमेज में, वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको एक्सपोजर अपना चेंज करना है तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्लस माइनस का बटन है, प्लस माइनस के बटन को आप प्रेस करके रखिए, और ये जो रोटेटिंग डायल है, इस रोटेटिंग डायल को जैसे ही आप पॉजिटिव साइड में रोटेट करेंगे तो आपकी इमेज ब्राइट होती जाएगी, और जैसे ही आप इसको नेगेटिव साइड में रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज डार्क होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक्सपोजर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अपर्चर प्रायोरिटी मोड का फुल ट्यूटोरियल। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ और आप जानना चाहते हैं निकॉन DSLR के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।